ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं वास्तविक जड़ी बूटियों के वीडियो बनाता हूँ ऑन द स्पॉट। तो ये देखेंगे, ये हमने यहाँ पे ये हल्दी लगाई थी, तो इसकी निराई हम नहीं कर पाए, कुछ हमने यहाँ से निकाल ली थी पिछले बार। तो ये घास है, तो ये देखेंगे काफ़ी दूर भी ये नदी का किनारा और हमारा ये धान का खेत है। तो इसके किनारे जो नदियाँ हैं, मतलब हमारे यहाँ नदी बोलते हैं जो नाले सिंचाई विभाग के होते हैं बड़े बड़े, तो ये देखेंगे सब झाड़ है। तो इसके बीच में मैंने हल्दी लगाया जो नेचुरल रूप से तैयार हो रहा है। और ये दो प्रकार की होती है, एक तो नीली हल्दी जिसको आसाम की होती है उस साइड की है, और जिसे काली हल्दी के नाम से लोग बहुत ही हाई रेट में बेचते हैं। तो उसका ये मार्च अप्रैल में लगाई जाती है। और एक होती है हमारी पहाड़ की उत्तराखंड की, जिसको करचूर हल्दी बोलते हैं। करचूर हल्दी में पीलापन रहता है, जिसको सुनहरी हल्दी भी बोलते हैं। और आज भी मेरी बात हुई थी किसी भाई से, तो उन्हें बोला उसमें करक्यूमिन की मात्रा ज़्यादा रहती है, और आप जब भी पीली हल्दी आपने पीसते हो तो उसमें थोड़ी सी करचूर हल्दी डाल दो, सुनहरी हल्दी, जिससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और एंटीबायोटिक होता है। तो मैंने कहा ठीक है। और ये देखिए कितना, आप देखेंगे एक ही कंद हमने लगाया हुआ, एक कंद से देखिए कितना ये पूरा फैल गया है। ये सेकेंड ईयर में चल रहा है, मतलब पिछले साल था और इस साल, और ये निराई उराई तो करी नहीं हम लोगों ने, ऐसे ही छोटा का इसमें देखो घुसना भी कैसे पॉसिबल है। ये जंगली हल्दी है तो जंगल में ही होगा और जंगल की तरह ही होगा। ये आप देख सकते हैं ऊपर से इसके पत्ते, ये देखिए इस पर काली काली लाइनिंग, और काली लाइनिंग दोनों में रहती है, जो नीली हल्दी है उसमें भी और जो सुनहरी हल्दी है उसमें भी। और इसी कड़ी में देखिए ये ऐसी, मैंने यहाँ पे अपने खाने के लिए भी हम बो देते हैं हल्दी वगैरह इधर। तो ये देखिए ये मैंने पीली हल्दी बो रखी है, मतलब अपने खाने के लिए। तो ये भी सेकेंड ईयर में, और इस बार इसकी फरवरी मार्च में इसकी खुदाई करेंगे, चाहे जितने निकले अपने लिए हो, 2-4 किलो भी होगी तो बहुत हो गई। और ये पानी है, तो देखिए पानी भी हमारे यहाँ का शुद्ध साफ पानी होता है, कोई गंदा पानी नहीं होता, ये देखिएगा। क्योंकि आगे एक दो शहर है उतना पानी निथर जाता है, तो हमारे यहाँ का पानी भी साफ़ सुथरा है, आप देख सकते हैं बहुत ही साफ़ सुथरा चमकदार। तो इनके बीच में ही जड़ी बूटियाँ मैं लगाता हूँ, और ये सब सफाई करके काफ़ी महंगा पड़ता है। मतलब आप सोच लीजिए जो बंदे काम करते हैं, काफ़ी मेरा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन मुझे शुद्ध साफ चीज़ें मिलती है बढ़िया। ये देखिए सोना पाटा के, मैंने आपको पिछले साल एक वीडियो में बताया था कि मैंने 56 पौधे लगाए थे, जिसमें से 52 हो गए थे, उसमें से भी कम से कम 45 तो हो ही रहे होंगे। तो इनकी भी सफाई करवाऊँगा। जैसे ये देखिएगा एक पौधा ये है, फिर ये है, और ये एक बार मैंने लगा दिया तो सोचिए कि 20-25 साल की छुट्टी है, इसे जब तक ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जड़ भी पनप जाती है, और एक जड़ भी हुई तो फिर दोबारा पौधा हो जाता है, और इसके हमें छाल और पत्ते की जरूरत पड़ती है। और अभी तो ये जो नीलगाय जिसको बोल देते हैं वो सब खा रही है इसको, ये सब खा जाती हैं, फिर भी हमें अपने लायक मिल ही जाता है। तो प्रभु की कृपा है, देवी माता का आशीर्वाद है कि जो भी चीज़ लगाता हूँ आराम से हो जाता है। और इसके पीछे भी देखिए ये घास हो रखी है, इसमें मैंने हल्दी बहुत दूर तक लगा रखी है, वहाँ नदी किनारे तक कम से कम, यहाँ पे काफ़ी हल्दी है। अगर मैं इसमें घुसूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ी मेहनत से करना पड़ता है, लेकिन मैं घुसना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं दराती वराती लाया नहीं, और ऐसे में घुसना बड़ा कठिन काम है। देखिए बिल्कुल घना हो रखा है, पौधे टूटेंगे। अब इसके 1-2 दिन में हम सफाई करेंगे, दराती वराती ले करके ये सब साफ़ कर देंगे, तो ये बढ़िया हो जाएगा। और एक मज़े की बात, यह ऐसी झाड़ में बच भी हमने लगा रखी है, और बच भी आज हमने देखा तो खुदाई के लायक हो गई है। तो उसको अभी ठंड पड़ेगा, नवंबर दिसंबर में उसे भी निकाल लेंगे। ये देखेंगे यहाँ से थोड़ी सी हल्दी हमने निकाल के किसी को दे दी थी, तो यहाँ पे नहीं है। तो यही चीज़ें हैं, कोशिश जारी है प्राकृतिक रूप से उगाया जाए। और देखिए अगर हल्दी अगर आप कहीं पर बोएंगे तो इतनी तगड़ी हल्दी नहीं होगी बिना खाद पानी के, लेकिन हमारे यहाँ सब हो जाती है, ज़मीन उपजाऊ है। ये नदी किनारे वहाँ तो चलो आप कहोगे धान का पानी निकल रहा है, देखिए यहाँ पे भी अच्छी खासी हो रही है। यह है काली हल्दी। तो इसी के साथ ही देखिए जो मुझे कहना था, मैंने कहा आप लोगों को जो भी इस पे फीडबैक देना दे सकते हैं, और जिसको काली हल्दी के बीज वगैरह चाहिए सीड्स, तो वो दोनों हल्दियों के ले सकता है, पीली हल्दी भी ले सकता है। और अभी एक मैं बहुत टॉप लेवल की हल्दी की ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि शिलोंग क्षेत्र वगैरह में ही मिलेगा पहाड़ में, और वर्ल्ड वो एक्सपोर्ट होता है विदेशों को। मुझे पता चला इंडिया में तो लोग उसको जानते ही नहीं है, जानते भी हैं तो उसको मिल नहीं पा रहा है, सब विदेशों में चला जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें विदेशों में जाने से रोकना है, पहले हम उसका यूज़ करें, अपने देश के लोगों को, अपने देशवासियों को ताकतवर बनाएं, फिर एक्स्ट्रा हो तो बाहर भेजें। लेकिन इसके लिए आम जनता को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए कि वो साफ़ सुथरा और साफ़ चीज़ें खरीदने की हिम्मत रखें, और
उसको मतलब प्रोत्साहन दें, जो भी व्यक्ति जहाँ पे भी जैविक खेती कर रहा है, आयुर्वेदिक खेती कर रहा है, तो उसको प्राकृतिक रूप से तो उसको बढ़ावा दें। इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, आगे फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता की।